समाजवादी पार्टी के हजारों नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़कर लगाए जय श्री राम के नारे और भारत माता की जय के नारे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राजीव रतन मिश्रा सहित हजारों लोग हुए शामिल बीजेपी में। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कराया सभी का पक्ष प्रवेश। समाजवादी पार्टी ने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता से दूर कई सालों से है, उनके नेता लगातार समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो अब मुंबई महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी फूटनी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुंबई महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राजीव रतन मिश्रा सहित उनके साथ करीबन हजारों लोगों ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन किया और जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में आज मोदी जी का जय जयकार हो रही है। हम लोग जब बाहर जाते थे तो हम सर से आज कोई बात करता कहाँ से इंडिया से, तो लोग इज्जत नहीं देते थे। आज जाते तो कहते इंडिया से, तो मान सम्मान बढ़ रहा हमारा है हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज जो देखो क्या है, आज मोदी जी वर्ल्ड के नेता है, आज हिंदुस्तान नेता वर्ल्ड के नेता बन गए हैं और सब समाज के। आज कम से कम 20-25 टका मुस्लिम आए हैं साथ में हमारे, आने वाले दिन में 50 टका मुस्लिम बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। सबका सफाया होने वाला है, आने चुनाव बीएमसी का आ रहा, अब देखना क्या होगा। हर जगह भगवा झंडा फहराएगा भारतीय जनता पार्टी। लोकल जो चुनाव बीएमसी का आ रहा है उसमें जो है हमारा जो बीजेपी के जो गठबंधन है पूरा हर जगह हमारा जो है संगठन जो है काम करेगा। उत्तर भारतीय, खासकर उत्तर भारतीय को जोड़ने का हमारा काम जो है वो हम पूरा करेंगे। हम पूरी महाराष्ट्र का यात्रा चालू करेंगे उत्तर भारतीय को जोड़ने के लिए। देखिए कि आज नहीं तो मैं पिछले 12 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद 26 जिले का प्रवास कर चुका हूं और राहुल गांधी जी की यात्रा चालू है महाराष्ट्र में, उसके बावजूद भी हर जिले से हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से प्रवेश ले रहे हैं। राष्ट्रवादी के इस 3 महीने में राष्ट्रवादी से 2000 की उम्र प्रवेश हुए और आज मुझे इस बात का अभिमान है कि राजीव रतन मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता थे, जो बहुत दिन से अपना जीवन उन्होंने समाजवादी पार्टी में दिया, संगठन मजबूत किया, 10,000 से 15,000 परिवारों से उनका नाता है, उसके बावजूद भी उन्होंने आज विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का उन्होंने आज संकल्प लिया है और माननीय मोदी जी, आज देखा होगा आपने बाहर 15 लाख लोगों ने आज मोदी जी को धन्यवाद मोदी जी करके गरीब कल्याण योजना के माध्यम से पत्र भी लिखा है। महाराष्ट्र से 2.5 करोड़ जनता लाभार्थी जो है वो मोदी जी को पत्र लिखने वाले हैं कि हमें पीएम किसान योजना मिली, हमें स्वनिधि योजना मिली, हमें अन्न सुरक्षा मिली, हमें वैक्सीनेशन मिला, हमारी जान बची, ये सारे लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, वो राइटिंग में अपने शब्दों से दे रहे हैं। आज हमने देखा है कि राजीव रतन मिश्रा जी के साथ 500 कार्यकर्ता यहाँ पर आए, बच्चे कार्यकर्ता हैं, जो सूझबूझ रखने वाले, थोड़ी हमारे समाज में मदद करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो राजीव रतन जी ने कहा है कि हम 10,000 लोगों का बड़ा सम्मेलन भी लेंगे, मैं उनके प्रवेश के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनसे वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा सम्मान मिलेगा
पूरी इज्जत भी मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में बलशाली राष्ट्र करने के लिए, बलशाली देश बनाने के लिए और देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए उनका जो संकल्प है, उत्तर भारतीय समाज के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो महाराष्ट्र के सारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी में काम करने वाले महाराष्ट्र के मुस्लिम, उत्तर भारतीय मुस्लिम समाज, आज कांग्रेस पार्टी के भी लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए हैं। मैं राजीव रतन मिश्रा जी, चंद्रप्रकाश मिश्रा जी और पूरे परिवारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और राजीव जी से बात कर विनती करता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र का दौरा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, ये उनसे अपेक्षा है। पार्टी उनके पीछे ताकत से खड़ी है, उनके परिवार के पीछे खड़ी है, समाज के पीछे खड़ी है, उत्तर भारतीय समाज के पीछे खड़ी है और मुस्लिम परिवारों के पीछे भी खड़ी है। उनने संकल्प लिया है 50% मुस्लिम परिवार जो समाजवादी पार्टी में, वो भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।